यहाँ दूसरी पार्टियां हैं, अक्सर उनके लोग काम वाम तो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं अपने इलाके के अंदर, गाली गलौज करते हैं, धौंस जमाते हैं, इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। इस वक्त देश की हालत और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। एक चीज तो मैं आप सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब भी अपनी विधानसभा में कहीं भी जाता हूं, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग अपनी सरकार की तो तारीफ करते ही करते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, अपने वॉलंटियर्स की बहुत तारीफ करते हैं, आप सबकी बहुत तारीफ करते हैं कि आपके वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, हमारी पार्टी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की पार्टी नहीं है, मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज सब ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग थे, हम आम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई। उसी तरह से अपने वॉलंटियर्स हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं, जो नॉर्मल पार्टियां दूसरी पार्टियां हैं अक्सर उनके लोग काम वाम तो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं अपने इलाके के अंदर, गाली गलौज करते हैं, धौंस जमाते हैं, यही करते हैं ना दूसरी पार्टियों के लोग, तो लोग उनको पसंद नहीं करते। अपनी पार्टी वालों को लोग पसंद करते हैं, अपनी पार्टी वाले सारे शरीफ नज़र आते हैं, अगर कोई शरीफ है तो समझ जाओ आम आदमी पार्टी का है, ये उसकी पहचान है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं अपने अपने इलाके में लोगों की। अब एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट है जो बात करना चाहता हूँ, वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत दे के जिताया था, ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे, लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं, चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है, आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था, गलत तो नहीं कह रहा मैं, इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती, और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा